जेमसी जीसस थ्रू आउट द बाइबल एपिसोड 14 में आपका स्वागत है। आज हम यजरा के पुस्तक में यीशु मसीह कौन है। यजरा के पुस्तक में यीशु मसीह हमारे आशा को पुनर्स्थापित करने वाला, वन हु रेस्टोर्स आवर होप। हम देखते हैं यजरा के पुस्तक में ऐसा वर्णन किया गया है, उस समय में यरूशलेम का मंदिर टूटा हुआ स्थिति में है, यरूशलेम के शहरपना टूटा हुआ स्थिति में है और लोग जो है परमेश्वर से बहुत दूर हो चुके हैं। तो परमेश्वर ने, ये लोग बंधुआई में हैं, परमेश्वर बहुत साल ये लोग बंधुआई में जाने के बाद ये लोग मन से भी परमेश्वर से दूर हो चुके थे, परमेश्वर के आज्ञाओं को भूल चुके थे और परमेश्वर को ढूंढना या परमेश्वर के पास वापस आना इन लोगों का मन नहीं था। तो इस समय में परमेश्वर ने यजरा के मन में या जरुब्बाबेल के मन में एक बोझ को डाला ताकि ये लोग वापस आए और परमेश्वर का मंदिर को बनाएं और परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के पास वापस लेके आए। तो यजरा के पुस्तक में हम देखते हैं, पहला भाग में हम देखते हैं कि परमेश्वर का मंदिर बनाया जाना, जो जिस देश में वो गुलाम थे उस देश के राजा ने उनको मंदिर बनवाने का अनुमति दी। तो जरुब्बाबेल वापस आया, उनको बहुत सारे चीजें सामना करना पड़ी, वो मंदिर बनवाने का उनके पास कोई भी बिल्कुल आशा नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उनको वो आशा दिलाई और परमेश्वर ने जरुब्बाबेल के द्वारा उस मंदिर को बनवाने का अनुग्रह किया और उसके मंदिर बनाए गए। उसके बाद हम उसके अगले भाग में, पिछले भाग में यदि हम देखते हैं, एक वचन में पढ़ना चाहूंगा, यजरा 7:6 में इसमें ऐसा लिखा गया है कि ये यजरा मूसा के व्यवस्था के विषय जैसा इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था, उसके परमेश्वर यहोवा के कृपा दृष्टि भी उस पर रही, इनके कारण राजा ने उसको मुंह मांगा वर दे दिया। तो परमेश्वर का कृपा दृष्टि यजरा के ऊपर बनी रही और वो परमेश्वर का व्यवस्था को बहुत अच्छे रीति से जानता था, तो परमेश्वर का कृपा दृष्टि के वजह से उन्होंने जो जो अनुमति राजा से मांगी वो उनको दिया गया। उसके बाद यजरा इधर आया, मंदिर बनाया गई, उसके बाद लोगों का मन परमेश्वर से बहुत दूर था। तो ये जो मंदिर बनाया गया वो तो ठीक है, लेकिन परमेश्वर के पास इनका हृदय जो है परमेश्वर के ओर नहीं था। तो यजरा का काम ये था परमेश्वर का वचन को प्रचार करना और उनका मन में एक आशा को लेके आना। तो यजरा ने तब वचन को प्रचार किया, व्यवस्था मूसा की व्यवस्था को उन्होंने प्रचार की, लोग रो रो कर परमेश्वर के पास वापस आए, उनके मन में एक आशा आया, हाँ हम इतने दिन परमेश्वर से बहुत दूर थे लेकिन अभी हमारे पास एक मौका है हम परमेश्वर के नजदीक आ सके और हम परमेश्वर के साथ दोबारा पहले जैसा हम परमेश्वर कानान देश में शुरू में थे वैसे हम दोबारा परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में वापस आ सकते हैं। तो यजरा के पुस्तक में यीशु मसीह भी हमारे एक आशा, हमारे आशा को पुनर्स्थापित करने वाला, कहीं हो सकता है हमारे आशा टूटी हुई हो, हम परमेश्वर, हमें लगता है कि इस परिस्थिति में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन यीशु मसीह जो है हमारा आशा को पुनर्स्थापित करके दोबारा हमारा आशा को बना सकते हैं। यदि हम यफिसियों का 2:19-22 को हम पढ़ते हैं, हम मसीह में एक परमेश्वर का निवास स्थान बनते आ रहे हैं, हम मसीह का एक शरीर का एक अंग है, हम मसीह में परमेश्वर का निवास स्थान है। 1 कुरिन्थियों 3:16 में ऐसा लिखा गया है कि हम परमेश्वर का मंदिर है, हमारे मंदिर में, इस मंदिर में परमेश्वर वास करता है। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये सब हमारे जीवन में हुआ है। तो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे जीवन में आशा को पुनर्स्थापित करने वाला है। परिस्थिति कैसे भी हो, यजरा के समय के समान हो और कोई कैसे भी हमारा परिस्थिति हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे जीवन में हमारे आशा को
पुनर्स्थापित करने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ आप इस एपिसोड से आशीष हुए हैं। परमेश्वर लगातार आपको आशीषित करें। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।